T20 लीग में आज राजस्थान और बेंगलोर के बीच मुकाबला है। दोनों टीमों ने आमने सामने 30 मुकाबले अब तक खेले हैं और 30 में से 15 मैच बेंगलोर की टीम जीती है, 12 मुकाबले राजस्थान ने अपने नाम किए हैं और 3 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकला। रॉयल्स 3 मैचों में 6 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है, वहीं बेंगलुरु के 4 मैचों में 2 अंक हैं और 8वें स्थान पर है। तो राजस्थान वर्सेस बेंगलोर ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं तो सीधा रुख करते हैं बुनी का। रितेंद्र जी, दोनों के बीच हुए मैचों में जीत के लिहाज से भले ही बेंगलोर थोड़ी आगे हो, लेकिन फिलहाल राजस्थान के हौसले कम बुलंद नहीं, बैक टू बैक 3 जीत। जी हाँ जया, देखिए यहाँ पे क्लियर फेवरेट आज के मैच में राजस्थान नजर आ रही है, क्योंकि बैंगलोर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बैंगलोर की हम बात करें, उनकी बल्लेबाजी गरज ही नहीं रही है, उनके फॉरेन प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डुप्लेक्सिस की हम बात करें, कैमरन ग्रीन की बात करें, हम बात करें मैक्सवेल की, तो इन सबको रन बनाने होंगे। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़ी फॉर्म में दिखे हैं, लेकिन टीम को इकट्ठे होकर लड़ना होगा, क्योंकि आज मैच है आपका उस बॉलिंग से जिनकी बॉलिंग की टूटी बोली है। राजस्थान की बॉलिंग दे आर फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। अश्विन की बात करें, चहल की बात करें, संदीप शर्मा पिछला मैच नहीं खेले थे, निगल थी, वो आज वापसी करेंगे। तो जी हाँ, अब इनके सामने कैसे खेलते हैं बेंगलोर के बल्लेबाज वो एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिस तरह राजस्थान के लिए रियान प्रात की बड़ी फॉर्म खतरे की घंटी हो सकती है बैंगलोर के लिए, तो बड़ा मैच है आज। बैंगलोर को कहीं ना कहीं फॉर्म हासिल करनी होगी, क्योंकि काफी मैच हार चुके हैं और अगर आज भी नहीं जीत पाते हैं तो मुश्किल होगी क्वालिफायर के लिए, क्योंकि आपको जो पहला जो दौर होता है आईपीएल का, वहां पे कुछ मैच तो जीतने होते हैं रेस में रहने के लिए क्वालिफायर की, और वहां पे बड़ी मात खाई है बैंगलोर ने। बड़ी मात खाई है बेंगलोर ने यहाँ पर। राजेश जी, पिच की अगर हम बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। इस मैदान पर आईपीएल में किसी भी टीम ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 200 का स्कोर नहीं बनाया, मैक्सिमम स्कोर 197 है। क्या लगता है आज के मैच के लिए? देखिए, आज सही मैच और सही दिन और सही विकेट है, पिच है बेंगलोर के लिए, जो उनके प्लेयर्स है, जो उनके प्लेयरों की वैल्यू है। मैक्सवेल ले लें आप, डुप्लेसिस कैप्टन खुद ले लें, जैसे अभी रतिंदर ने भी कहा कि उनको एक लय की जरूरत है और आज सही जगह पे वो खेल रहे हैं। अगर आज इस पिच पे अगर वो अपनी लय को नहीं पकड़ते हैं तो अब उनके पास कमबैक करने का जो चांसेस है वो 30-40% ही रह जाएगा। तो थोड़ा सा आज जो उनका कॉम्बिनेशन है उसको बनाने की जरूरत है। बाकी राजस्थान तो बहुत ज्यादा लय में चल रही है, उनके सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहे हैं, पराग से लेकर के, चाहे आप कप्तान संजू की बात कर लें या आप उनके दूसरे प्लेयरों की बात कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छे लय में, टचवुड कि वो इसी लय में रहे। तो बाकी बैंगलोर के लिए भी मैं विश करता हूं कि वो उनके जो फॉरेन प्लेयर है वो आज सही समय है उनके। बिल्कुल इनाक्षी, यहाँ पर लय में चल रही है राजस्थान की टीम, आप किस टीम के साथ जानना चाहेंगी यहाँ पर फेवरेट टीम की अगर आपसे सवाल करें तो? मैं आज आरसीबी के साथ जाना चाहूंगी। जहाँ तक बात दोनों टीम्स की है, आज इंडिविजुअल बैटल्स है जो जीतनी होगी आरसीबी को। विराट कोहली और संदीप शर्मा का रिकॉर्ड हमेशा संदीप शर्मा अभी तक जीतते नजर आए, कुछ 60 बॉल्स में उन्होंने 7 बार आउट किया है विराट कोहली को आईपीएल में। और जहाँ तक स्टेडियम की बात है, ये वही स्टेडियम है जहाँ पे विराट कोहली ने 2013 में वो 52 बॉल 100 मारा था ऑस्ट्रेलिया के चेज में। बट कहीं ना कहीं आईपीएल में सवाई मानसिंह ने साथ नहीं दिया है, तो मुझे लगता है आज विराट कोहली कुछ कमाल कर सकते हैं अगर वो संदीप शर्मा की बैटल जीत जाते हैं। सिमिलरली जॉस बटलर और रीस टॉपली, ये दोनों भी एक ऐसे प्लेयर्स है जो काफी डिसमिसल्स कर चुके हैं रीस टॉपली बटलर की, और बटलर ने तो पिछले साल 3 कॉन्जिक्यूटिव डक से अपना आईपीएल एंड किया था। तो कहीं ना कहीं बटलर और जयसवाल को भी अब वापिस कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक वही एक डिपार्टमेंट है ओपनर्स का जो राजस्थान रॉयल्स कहीं ना कहीं पीछे है। बट अगर विराट कोहली और हमारे ग्लेन मैक्सवेल और पाफ में से एक भी प्लेयर चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आरसीबी का पगड़ा भारी रह सकता है आज। बिल्कुल, आरसीबी का पलड़ा भारी रह सकता है और बैंगलोर किस तरह से आज खेलती है उस पर भी सबकी निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजेश जी आपका और इनाक्षी जुड़ने के लिए और इस पर अहम चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।